मुझे क्रिसमस का गिफ्ट चाहिए। मुझे गिफ्ट अब तक नहीं मिला। मैं घर आ गई। अरे तुम अभी तक यहीं पर हो? बाहर निकलो, चलो आज खेलना नहीं है। आज नहीं खेलूंगा, आज बहुत ज्यादा ठंड है। तुम बड़ों की तरह बातें मत करो, बच्चे तो दिन भर खेलते रहते हैं। देखो तुम्हारे दोस्त भी बाहर खेल रहे हैं। मैं आपका डैड का बेटा हूँ, कोई आम बच्चा नहीं हूँ। ओफो, इस लड़के से तो बहस करना बिल्कुल बेकार है। आजा, फिर से ढेर सारी शॉपिंग करके आ रही है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम, आज मैंने बहुत कम शॉपिंग की है, वो भी डिस्काउंट सेल से। क्या आज हमारे घर पर मेहमान आ रहे हैं? इसका कुछ नहीं हो सकता, आज क्या दिन है बताओ। अरे मैं डेट पूछ रही हूँ, कैलेंडर देखकर बताओ तो। देख लिया। वहाँ तुम्हें कोई निशान दिखाई दे रहा है? अरे आज तो क्रिसमस है। आज क्रिसमस है, आज के दिन ही तो सांता क्लॉज गिफ्ट लेकर आते हैं। छोड़ो मुझे, मुझे तैयार हो जाना चाहिए इससे पहले कि वो गिफ्ट लेकर आए। देखो शिनचैन, अगर तुम ये सब करोगे तो सांता क्लॉज गिफ्ट लेकर नहीं आएंगे। सांता क्लॉज नहीं आएंगे, पर ऐसा क्यों? तुमने इस महीने की शुरुआत में एक वादा किया था, याद है? मैंने वादा किया था यही कि जब तुम्हारे पास 10 गुड बॉय के स्टिकर्स जमा हो जाएंगे तभी तुम सांता क्लॉज से गिफ्ट लोगे। माँ, मैं एक गुड बॉय जरूर बनूंगा। मैं तो ये बिल्कुल भूल ही गया था। हाँ यही बात तुम भूल गए, अभी तक तुम्हारे पास एक भी स्टिकर जमा नहीं हुआ। देखो ये झूठ है। लेकिन सच्चाई यही है शिनचैन। ऐसा नहीं हो सकता मम, एक तो जरूर होगा। ये तो है ना मेरे पास, देखो कितने सारे हैं। गलती करने पर ये स्टिकर्स मिलते हैं और इसी से पता चलता है कि तुम कितनी गलतियाँ करते हो, क्यों है ना? बात तो स्टिकर्स जमा करने की थी। जब तक तुम्हारे पास गुड बॉय स्टिकर्स नहीं होंगे तब तक तुम्हें सांता क्लॉज से कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बात अच्छी तरह समझ लोगे तो ही अच्छा है। तो ठीक है, मैं बहुत मेहनत करूंगा माँ। देखो शिनचैन, ये भी हो सकता है कि तुम शाम तक 10 गुड बॉय स्टिकर्स जमा कर लो। ठीक है, पूरी कोशिश करना। ऑल द बेस्ट। मैं अभी लगता हूँ फर्स्ट एड बॉक्स। मैम ये लो फर्स्ट एड बॉक्स। थैंक यू बेटा। अब मुझे एक गुड बॉय स्टिकर मिलेगा ना? तो ये सब तुम स्टिकर्स के लिए कर रहे हो, है ना? देखा अब कैसे अच्छे बच्चे की तरह पेश आ रहा है। मैंने तुमसे कहा ना बेटा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे ले जाओ। नहीं मैं तो यहीं पर बैठूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो शिनचैन बेटा, अगर तुम अपना सारा दिन यहीं गुजार दोगे तो बाकी के स्टिकर्स तुम जमा नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हें गिफ्ट कैसे मिलेगा? जाओ बेटा कुछ और करो। अरे आइडिया, मैं अपना कमरा साफ कर लेती। ये तैयार है, देख कर आती हूँ शिनचैन ने कमरा साफ किया या नहीं। माफ कीजिएगा पर इसे लगाने की अब जगह नहीं बची। पीछे भी पूरा भर चुका है। वाह, इस लड़के को सुधारना बड़ा मुश्किल है। शिनचैन, क्या तुम्हें सांता क्लॉज से गिफ्ट नहीं चाहिए? चाहिए मॉम। तो तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी होगी बेटा। करूँगा। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर तुम डिनर बनाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बाकी के स्टिकर्स दे दूंगी। मामा आप कितनी अच्छी है। वो तो मैं हूँ ही। अब ये सब क्या हो रहा है? क्या आप मुझे स्टिकर पहले नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम काम नहीं करोगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बाद में स्टिकर देने से मना कर दें। शिनचैन, इसे यहाँ से ले जाओ। ओके। कुसुरी मास। हाँ। कितना बड़ा केक है, आपने बहुत मेहनत की ना? हाँ मेहनत तो करनी पड़ती है। अच्छा इसे संभाल कर ले जाओ। शिनचैन तुम्हें मुश्किल हो रही है तो मैं ले जाऊँ? मुझ पे भरोसा रखिए। ठीक है ठीक है। ऐसे क्या दिख रही हैं? कुछ नहीं, तुम जाओ। धीरे धीरे चलता हूँ बड़ा सा कसूरी मस का केक लेके, धीरे धीरे चल। हाँ?
क्या इसका मतलब ये कि वो केक गिर गया मित्सी? शिनचैन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा, मैं तुम्हें वो सारे गुड बॉय स्टिकर्स दे दूंगी। इसलिए जल्दी से यहाँ आ जाओ बेटा। पर सांता क्लॉज देख रहे होंगे मैंने वो केक गिरा दिया, अब मुझे वो गिफ्ट नहीं देंगे। कोई बात नहीं शिनचैन, पर तुमने कोशिश तो की ना, यही बड़ी बात है। और मैं जानता हूँ कि ये बात सांता क्लॉज भी समझेंगे। क्या सच में? सच में। क्या वो सच में समझेंगे? सच में वो समझेंगे। मेरी क्रिसमस। मिलो मित्सी। ओह थैंक यू हैरी। मुझे भी मैं भी तुम अपना ऑरेंज जूस पियो बेटा। डैड नहीं, आज मैं भी एप्पल जूस ही पीऊंगा, मुझे ऑरेंज जूस नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, ये लो। ये तो खट्टा है। ऑरेंज जूस तो बहुत टेस्टी होता है। मुझे केक खाना है। हाँ, ये लो। सांता क्लॉज कब आएंगे? कभी भी आ सकते हैं बेटा।